नागपुर शहर में लाडे बापा के आगमन की तैयारियां शुरू हो गई है। गणेश उत्सव की बात हो तो नागपुर वासियों को इंतजार होता है तो वो है श्री संती गणेश उत्सव व सांस्कृतिक मंडल की ओर से तैयार की गई प्रतिकृति की। तो अब सभी का इंतजार खत्म हो गया है। श्री संती गणेश उत्सव की ओर से इस साल माहौर की रेणुका माता मंदिर साकार किया जा रहा है। इस वर्ष महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से एक सुप्रसिद्ध श्री रेणुका देवी मंदिर माहूर जिला नांदेड़ की हूबहू प्रतिकृति साकार हुई है। ये मंदिर 25 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है और लगभग 51 सीढ़ियां चढ़ने के बाद किले पर देवी के दर्शन श्री तुलसा भवानी, श्री जमदम की और भगवान परशुराम के साथ होंगे। मंडल का इरादा श्री रेणुका मंदिर की प्रतिकृति बनाने का है, जिसका उद्देश्य नागपुर के लोगों को सुबह शाम श्री रेणुका देवी की पारंपरिक आरती, दैनिक श्रृंगार, गोंगल, आरती, प्रसाद, तांबूल का लाभ मिल सके। साथ ही नागपुर में ही रेणुका देवी के दर्शन भी किए। श्री रेणुका देवी के दर्शन के साथ साथ बोर्ड नागपुर में ही एक आदर्श माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है, जहाँ प्राचीन इतिहास, परंपरा, संस्कृति, पूजा, प्रसाद वितरण और हम वास्तव में माहौल में श्री रेणुका देवी के दर्शन कर रहे हैं। रेणुका मंदिर में दैनिक आरती एवं प्रसाद भी सुबह 8 बजे, माहौर में देवी के अभिषेक की तरह संकल्प में भी पुजारियों द्वारा सुबह 8 बजे से शाम तक संपन्न किया जाएगा। इच्छुक यजमानों के लिए ये शाम 4 बजे तक किया जाएगा। इसके लिए आप निम्नलिखित नंबर पर संपर्क कर अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। साथ ही यहाँ विशेष रूप से महिलाओं के लिए देवी की ओटी करने की भी व्यवस्था की गई है। जैसे माहौर में सभी भक्तों को विद्या तांबूल दी जाती है, माहौर के श्री पांडुरंग राठौड़ तांबूल वाले और उनके सहयोगी 10 दिनों के लिए संती में रहेंगे और वह इस प्रसाद को स्वयं तैयार करेंगे। श्री रेणुका देवी के आगमन के दिन सभी महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता पारंपरिक वेशभूषा में जुलूस में शामिल होंगे। नागपुर के प्रमुख शिव मुद्रा और गज वग्र ढोलताशा मंडली के लगभग 500 संगीतकारों की धुन पर एक भव्य दिव्य जुलूस के साथ दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे। हमने रेणुका देवी का जो माहूरी मंदिर है, तो माहूरगढ़ है, वो साकारने का हमने यहाँ पे प्रयास किया है। तो रेणुका देवी के अनेक भक्त नागपुर में है, अनेक विदर्भ में है, तो अनेक लोगों का कुलदेवत कुलदेवी माहूर की ये रेणुका देवी है। तो जिन भक्तों को अपने परिवार के साथ में यहाँ पे अभिषेक करने का है, संकल्प देने करने का है और पूजा पाठ करने का है, तो उन सभी भक्तों के लिए यहाँ पे मैं आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे सहकारी मंगेश वड़ाकर और रुद्रेश दुबे, इन दोनों के नंबर मैं दूंगा, उनको आपको फ़ोन करने का है और फ़ोन करने के बाद में सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक और दोपहर में 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक जिन किन परिवारों को अभिषेक करना है और साक्षात जो वहाँ पे पूजा होती है माहूर में, वो साक्षात पूजा का लाभ नागपुर में लेने का है, उन सभी भाई परिवारों को मेरा आह्वान है कि आप यहाँ पे आए और साक्षात माहूर के सिमिलर एटमोसफियर का आनंद और सिमिलर एटमोसफियर का और पूजा का आनंद आप नागपुर में ले। कैमरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट। आपके शहर में आया है शॉपिंग का जैकपॉट। नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट कंज्यूमर एक्सपो 2024। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट एक ही छत के नीचे, भव्य प्रदर्शनी व बिक्री। 27 जुलाई 2024 से शुरू सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। हमारा पता हनुमान मंदिर ग्राउंड, रामनगर चौक, राम मंदिर के बाजू में रामनगर। यहाँ आपको मिलेगा कश्मीरी साड़ी, कलकत्ता साड़ी से लेकर खादी शर्ट, कॉटन शर्ट, खादी कुर्ता, केकड़ा बेडशीट, जयपुरी बेडशीट के सभी रेंज, साथ ही फैंसी ज्वेलरी, स्टोन ज्वेलरी, राजस्थानी एंटीक ज्वेलरी, फिरोजाबाद बैंगल, लोअर गाउन, पायदान, कारपेट, वेस्टर्न टॉप, टेरा कोटा पॉट, बाम्बू वर्क, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, पटियाला जूती, राजस्थानी जूती, बॉम्बे सेंटर, राजस्थानी बैग, पश्मीना शॉल, कश्मीरी कुर्ती, कलमकारी, मुखवास एवं चूरन, पापड़, कॉस्मेटिक, होम अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, आज ही इस एक्सपो को भेज दीजिए।